ठीक है, इस लेसन में हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ सेट्स की। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। अब ठीक है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स की मतलब बात है कि दो सेट्स बराबर कब होंगे। ठीक है, दो सेट्स इक्वल कब होंगे। दो सेट्स इक्वल होने का एक ही क्राइटेरिया, कब, जब ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल। कब होंगे, जब सभी एलिमेंट बराबर हो, सेम हो, एक्चुअली इक्वल नहीं, सेम वर्ड ज़्यादा सही है। ठीक है, ऑल दी एलिमेंट्स आर सेम। अब सेम की कैसे, इसमें दो साइड लिखूँ, यहाँ पे एक लिखा 1, 3, 5 और 7, सही है, दूसरा सेट लिखा 1, 3, 5, 7, तो ये क्या है, हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दोनों सेट्स कैसे होंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या फर्क हो सकते हैं। अब मैंने अगला सेट्स लिखा ये, अब भी क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है, तो जवाब होगा हाँ। क्यों, क्योंकि सेट्स इक्वल होने का क्राइटेरिया इतना ही है कि एलिमेंट्स जो हों सेम हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं है, क्योंकि अगर रिपीट कर जाए कोई एलिमेंट तो भी वो सेट सेम ही रहेगा। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या बोला था कि जनरली रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट जनरली डू नॉट रिपीट, तो जनरली रिपीट नहीं करते हैं, बाकी रिपीट करके लिखें तो गलत नहीं है। इस सेट का भी मतलब यही वाला सेट होने वाला है, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इक्वल सेट्स अगर समझ में आ गया हो तो सब सेट्स की बात कर लेते हैं। सब सेट्स, ठीक है, सब सेट्स का मतलब किसी सेट्स के अंदर आने वाले बाकी और जो भी सेट होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, सब सेट। ठीक है, जैसे मैं एक सेट लिखता हूं अभी, ठीक सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, मैंने एक सेट लिख रहा हूं यहां पे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। ठीक है, दूसरा सेट लिखा सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल कर देते हैं, योर स्कूल, और इसको भी योर स्कूल कर देते हैं, इन योर स्कूल। ठीक है, अब अगर इन दोनों पॉइंटों को हम ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि वो सभी बच्चे जो क्लास 11th में हैं तुम्हारे स्कूल में। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो अगर तुम दूसरे वाले पॉइंट को देखोगे तो वो अपने आप पहले वाले पॉइंट को इंक्लूड करके चल रहा है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट को इंक्लूड कर चल रहा है, कैसे, जो क्योंकि जो भी बच्चे स्कूल में हैं उनमें वो बच्चे भी तो आ चुके हैं जो क्लास 11th में होंगे, ऐसे थोड़ी क्लास 11th के बच्चे कहीं और हैं तो वो भी स्कूल में ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो सेट हो गया, ये वाला सेट तो उसमें कंटेंट है पहले से ही, ये वाला जो सेट है उसमें इंक्लूडेड है ना, उसे क्या बोलते हैं, कंटेंड इन। ठीक है, तो अगर इस सेट का नाम ए है ऊपर वाले का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज कंटेंड, ये वाला बी बोल देता हूँ, इन बी, मतलब सेट ए क्या है, सेट बी में है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या सबसेट्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी मानो कोई और सेट लिख दूँ, क्लास 10th लिख दूँ यहाँ पे, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट लिख दूँ वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वो सभी बच्चे जो क्लास 10th में हैं या 11th में, वो स्कूल में भी तो हैं, हैं? ठीक है, आगे देखते हैं, और मैं एक सेट लिख रहा हूँ, जैसे सेट ए है 1, 3, 5, 8, 9, 10, रेंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया, और सेट बी लिखा 1, 3, 5। अगर तुम गौर से देखोगे तो सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है पहले से ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी क्या है, सेट ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सेट बी का हर एलिमेंट क्या सेट ए में पाया जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं, अभी मैंने सेट सी लिख दिया कोई, उसमें एलिमेंट क्या डाले, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,
अब इसमें अगर तुम गौर से देखोगे तो शॉर्ट सेट सी में क्या है, सी सी अगर देखोगे तो वहां पे क्या है, टू है एक एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं है, जो कि सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट सी सेट ए का सबसेट नहीं होगा, हालांकि बाकी सब एलिमेंट तुम देखोगे तो सेम है, ठीक है, पर सेट ए और सी में अंतर क्या है, ये टू और थ्री वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दूं, यहाँ पे लिख दूं टू, ठीक है, जैसे ही मैंने वहाँ पे टू नहीं सॉरी थ्री लिखते हैं क्योंकि थ्री है वहाँ पे ना, मैंने जैसे ही यहाँ पे थ्री लिखा तो हुआ क्या कि सेट सी में सारे एलिमेंट आ चुके जो सेट ए में है, ठीक है, पर सेट सी के पास अब एक एलिमेंट ज़्यादा है टू, तो इसका मतलब सेट सी बड़ा वाला हो गया। बड़ा सेट कौन सा, सेट सी, छोटा कौन सा है, सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है, और सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मानो यहां पे क्या बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सिंबल है सबसेट होने का, ठीक है, थैंक यू।